Assalamu alaikum, 9th class. Today we are going to discuss the topic is a resolution of forces. Previous lecture में हम like, unlike, parallel forces और resultant force के बारे में हमने पढ़ा है और head to tail rule को हमने पढ़ा है. वही head to tail rule utilize करते हुए हम topic करेंगे resolution of forces, कि forces को कैसे हमने resolve करना है उनके components में. The process of splitting up vectors into their component forces is called. अब vectors में क्या होगा? Vectors में हमारे पास होगी forces या force. The process of splitting vectors mean forces into their component forces is called resolution of forces. कि जो force है हमारे पास, इसको इसके component में resolve करना है. हमने x एक्सिस और y एक्सिस, क्योंकि प्लेन के लिए हम दो ही कंपोनेंट लेंगे. एक होगा हमारे पास अलोंग द x एक्सिस एंड द अदर वन इज अलोंग y एक्सिस. इफ अ फोर्स इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट, अगर एक फोर्स दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट से फॉर्म्ड हो रही है, बन रही है, देन सच कंपोनेंट्स आर कॉल्ड परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स. हाँ जी, अगर एक फोर्स दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट के साथ बन रही है, उसे हम कहेंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स. अब हम डिफाइन करेंगे जो हमारे पास है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को, कि क्या डेफिनेशन है. स्प्लिटिंग अप ऑफ ए फोर्स, फोर्स को हमें स्प्लिट अप करना है इन टू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, के फोर्स को स्प्लिट अप करना है म्यूचुअली टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में, जिसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स. स्प्लिटिंग अप ऑफ ए फोर्स इन टू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स. कि फोर्स को उसके दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करने का नाम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स है. इसकी एक्सप्लेनेशन पे आए. कंसीडर अ फोर्स एफ रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन ओ ए मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस. इस डायग्राम को देखेंगे आप लोग. उसने क्या कहा, हम एक फोर्स एफ कंसीडर करते हैं जिसको हम लाइन ओ ए के साथ रिप्रेजेंट करेंगे. ये हमारे पास एक फोर्स है एफ जिसको हमने लाइन ओ ए के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है, और ये ग्राफिकल मेथड है, वेक्टर्स को ऐड करने का ग्राफिकल मेथड है. एक फोर्स एफ जो है ये ओ ए के साथ हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, और एक्स एक्सिस ये हमारे पास लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन जो है एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है. इसके साथ जो एंगल बनेगा, थीटा बनेगा, वो हमारे पास ये होगा. ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ए बी ऑन एक्स एक्सिस. अब यहां पर देखेंगे ये ए बी, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं हम किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर. इस एक्स एक्सिस के ऊपर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे जिसका नाम है ए बी ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम ए. ए से हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल. हाँ जी, हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ओ ए इज रिजल्टेंट ऑफ ओ बी एंड बी ए. ओ बी और बी ए ये दो हमारे पास फोर्सेज हैं, इन दो का जो रिजल्टेंट है हमारे पास वो है ओ ए. ये बात समझनी है आप लोगों ने. हेड टू टेल रूल के जरिए वेक्टर को यहां पर ऐड किया जा रहा है. एक हमारे पास कंपोनेंट है एफ एक्स जिसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है ओ बी के साथ, और एक हमारे पास है बी ए, एफ वाई कंपोनेंट है परपेंडिकुलर. इन दोनों को हमने हेड टू टेल रूल के जरिए ऐड करके एक वेक्टर का हेड दूसरे का टेल, और ये रिजल्टेंट ड्रा किया है जो एफ रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. द कंपोनेंट ओ बी एंड बी ए आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. हाँ जी, ओ बी हमारे पास कौन सा कंपोनेंट है, ये वाला ओ बी, और एक कंपोनेंट है हमारे पास बी ए या ए बी कह सकते हैं. ये दोनों हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है. इन दोनों के दरमियान जो एंगल है यहां पर 90 डिग्री है, तो 90 का एंगल बन रहा है, इट मींस ये परपेंडिकुलर होंगे. ये दो हमारे पास कंपोनेंट ऑफ फोर्सेज जिसको हमने एफ एक्स का हुआ है, एफ वाई का हुआ है. एक्स क्यों का हुआ है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है. वाई क्यों का हुआ है, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन के ऊपर है. तो हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन, ये हमारे पास दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गए, जो कि हमने प्रीवियस यहां पर डिस्कस किया है.
परपेंडिकुलर कंपोनेंट एफ एक्स एफ वाई, ये किसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये फोर्स है एफ जिसको हमने लाइन ओ ए के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। इस लाइन के ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गए। अब ओ बी एंड बी ए आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर कॉल्ड परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ ओ ए रिप्रेजेंटेड बाय फोर्स एफ। ओ ए हमारे पास फोर्स एफ है, इसके दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट ओ बी एंड बी ए, ये हमने यहां पर ड्रा कर लिए। अब यहां पर हम रिविजन करेंगे कि हमारे पास ओ बी जो है एफ एक्स के इक्वल है, ये वाली बात जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स है। इसी तरह से हमारे पास ओ ए जो है हमारे पास ये एफ को रिप्रेजेंट करेगा जो कि यहां पर रिप्रेजेंट किया हुआ हमने, और जो हमारे पास है बी ए ये हमने एफ वाई के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये हमारे पास है। अब ये चीजें हमने डिफाइन कर ली। अब हमारे पास है कि हेड टू टेल रूल के जरिए अगर हम देखें कि ओ ए जो हमारे पास है ये किसके इक्वल होगा, ओ बी और प्लस बी ए। यहां पर देखें अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल ओ ए इज इक्वल टू ओ बी प्लस बी ए, इनको हमने ऊपर मेंशन किया हुआ है ये कि जो ओ ए हमारे पास ये है, ओ बी हमारे पास ये है और बी ए हमारे पास ये है, ये वैल्यूज पुट करें यहां पर। ओ ए किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है, ओ बी हमारे पास एफ एक्स के इक्वल है और बी ए हमारे पास एफ वाई के इक्वल है। एफ इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, इट मीन्स जो एफ है ये रिजल्टेंट फोर्स है, किसकी रिजल्टेंट फोर्स है, एफ एक्स की और एफ वाई की। तो अब हम ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ओ बी ए ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को रिजॉल्व करके हम एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इस ट्राइंगल में हमारे पास कॉस थीटा क्या है जी, कॉस थीटा साइन कॉस और टेन जो है किसी भी ट्राइंगल के अंदर क्या होते हैं, कॉस है हमारे पास हाँ जी बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस क्या हमारे पास ओ बी, तो ये मैंने लिख दिया ओ बी, और हाइपोटेन्यूस हमारे पास ओ ए, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस। तो ओ बी को हमने रिप्रेजेंट किया हुआ किसके साथ, एफ एक्स के साथ, और ओ ए को रिप्रेजेंट किया हुआ हमने एफ के साथ। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ एक्स ओवर एफ, हमने एफ एक्स निकालना है तो एफ जो है इधर डिवाइड हो रहा है इक्वल के दूसरी साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ एक्स। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, तो ये हमारे पास हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। अब हमने साइन थीटा निकालना है, इसमें साइन थीटा किसी भी इस ट्राइंगल के अंदर साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर हमारे पास है बी ए, बी ए ये परपेंडिकुलर है और ये होगा हमारे पास हाइपोटेन्यूस ओ ए। तो बी ए हमारे पास किसके इक्वल था, एफ वाई के, और ये हमारे पास एफ, हमने एफ वाई कैलकुलेट करना है तो एफ इक्वल के दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई, या इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा। अब न्यूमेरिकल्स में आप लोगों से अगर फोर्स दी हुई हो और एंगल दिया हुआ हो और वो आपको कहे कि आपने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट करने हैं, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एफ एक्स और वर्टिकल कंपोनेंट होगा हमारे पास एफ वाई। ये टॉपिक हमारा हो गया कंप्लीट। अब इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल हम करते हैं कि एक बॉडी है उसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं कितनी, 200 न्यूटन, ये हमारे पास एक बॉडी है इसके ऊपर हम एफ लगाते हैं कितना 200 न्यूटन, और ये रोड के साथ एंगल कितना बना रही है 30 डिग्री, ये लेवल रोड है इसके साथ जो हम फोर्स लगा रहे हैं 30 डिग्री हमारे पास होगा एंगल। आपका था इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ डी हुई है, इसका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट करना है। तो अभी कैलकुलेट किया हमने टॉपिक्स के अंदर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ की वैल्यू पुट करें कॉस कॉस 30 कॉस 30 कैलकुलेट करके 200 के साथ मल्टीप्लाई करें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होगा हमारे पास, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा।
अब एफ हमारे पास कितना है 200, साइन हमारे पास कितना है 30, साइन 30 की वैल्यू को 200 के साथ मल्टीप्लाई करें हमारे पास कितना आएगा 100 न्यूटन। तो ये हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स जिसका नाम है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस टॉपिक हमने किया है, और साथ साथ में उसकी एक एग्जांपल भी की है। इंशाल्लाह फर्दर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने पेश होंगे। अल्लाह हाफिज़।